एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल पिंक आई लुक एंड मेरून लिप्स के साथ। तो इस लुक को आप इजीली वेडिंग पे, पार्टी पे, कहीं भी इजीली वेयर कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल लगेगा ये लुक, किसी के ऊपर भी ये लुक बहुत अच्छा जाएगा। तो इस लुक को मैंने बहुत इजी वे में क्रिएट किया है। मैंने ये लुक को एक बिंदी के साथ भी और बिना बिंदी के भी ट्राई किया है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि मैं इस लुक को कैसे क्रिएट किया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ताकि मेरे स्किन हाइड्रेट रहे और जो भी मेकअप मैं करूँगी उसके वजह से मेरे स्किन डैमेज ना हो। मॉइस्चराइज़र को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड के प्राइमर, और इसे मैं अपने टी जोन के ऊपर फोकस करते हुए अप्लाई करूँगी। ये प्राइमर जो है थोड़ा ऑयली फॉर्म में है, तो मेरे स्किन के लिए इतना ऑयलीनेस अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा कम अमाउंट में यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं आईटेक्स डैजलर का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ एंड इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद मैं कंसीलर के लिए ले रही हूँ NY Bay का कंसीलर। इसे मैं अपनी आईलिड पे, अंडर आई एरिया पे और जो भी हाइलाइटिंग पार्ट्स हैं मैं वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। फाउंडेशन एंड कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NY Bay का कॉम्पैक्ट पाउडर इन दोनों को सेट करने के लिए। मैं सेम ब्लेंडर की हेल्प से इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मास्की ब्लश पैलेट। इसमें से ही मैं ये वाले लाइट पिंक कलर शेड लेके एक बफिंग ब्रश की हेल्प से ब्लश अप्लाई कर रही हूँ एंड नेक्स्ट मैं आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ। मेरे आई शेडो पैलेट में से एक डार्क ब्राउन कलर की शेड लेके एंगुलर ब्रश की हेल्प से आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ एंड इसे मैं स्पूली से कॉम कर रही हूँ, ताकि जो भी एक्सेस से रिमूव हो जाए। एंड नेक्स्ट मैं सेम ब्लश पैलेट की हेल्प से ये जो पिंक, डार्क पिंक कलर की शेड है, उसे एक बफिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं ये वाली ब्लैक कलर शेड लेके अपने आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं क्यूमिडा आई शेडो पैलेट में से ये वाली लाइट वायोलेट कलर शिमर शेड पिक कर रही हूँ। इसे मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं सेम आई शेडो पैलेट में से ये वाली पिंक कलर पिक कर रही हूँ और जो भी वायलेट कलर शेड में अप्लाई किया था उसके ऊपर इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ NY Bay की आईलाइनर और एक नॉर्मल सी विंग बना रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ इन कलर की बेकिंग हाइलाइटर एंड एक स्मॉल टिप की ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने इनर आई कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्रॉ बोन, बिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, जो भी यूजुअल प्लेसेस है वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी।
नेक्स्ट मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक। उसमें से मैंने ये मेरून कलर की शेड पिक किए है। एंड सबसे लास्ट मेकअप सेट करने के लिए मैं आप यूज़ कर रही हूँ मार्स की मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मैं इस लुक को कंप्लीट किया है एक बिंदी एंड इस झुमके के साथ। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर देना। थैंक यू सो मच।